महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच मचे सियासी संग्राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर एक तरफ उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा, तो वहीं शिंदे गुट के वकील हरीश सालवे ने अपनी दलीलें दी। बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने शिंदे के शपथ ग्रहण पर सवाल उठाए और कहा कि विधायकों की अयोग्यता के फैसले से पहले शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए था। सिब्बल ने कहा कि ठाकरे की सरकार गिराते वक्त संविधान का उल्लंघन किया गया। कपिल सिब्बल ने ये कहते हुए विधायकों को अयोग्य करने के लिए कहा कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक शिंदे गुट के विधायक अयोग्य हैं। कपिल सिब्बल की दलीलों पर बहस करते हुए हरीश सालवे ने कहा कि शिवसेना के विधायकों ने पार्टी के अंदर ही बगावत की है, न कि किसी दल का दामन थामा, इसीलिए इसे दल बदल कानून के तहत नहीं माना जा सकता। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि पार्टी में रहकर आवाज उठाना बगावत नहीं है और अगर पार्टी के विधायक अपना नेता बदलना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हरीश सालवे ने अपने तर्कों में कहा कि 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ये तभी की जा सकती थी जब वो किसी पार्टी में शामिल होते। बता दें कि जब शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बगावत की और बड़ी संख्या में विधायकों का एक गुट उनके साथ अलग हो गया, तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे का नाम भी है। वहीं शिंदे खेमे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि जब 2/3 विधायकों को डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास है तो वो उन्हें अयोग्य कैसे ठहरा सकते हैं।